आप देख रहे हैं TNB। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो गया है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में लागू प्रतिबंधों में और ढील दी है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने किसी भी तरह के कार्यक्रम में 50 लोगों के भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन अब सुधरते हालात को देखते हुए इस प्रतिबंध को हटा लिया गया। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी समारोह में जैसे कार्यक्रमों में 100 लोग हिस्सा ले पाएंगे। रविवार को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने गाइडलाइंस को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेश के मुताबिक अब सुबह से रात 11 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शादी समारोह और अन्य आयोजन में एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों के हिस्सा लेने के स्थान पर 100 लोगों की अनुमति दी गई है। बंद या खुले स्थानों पर एक समय में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार आ सकेंगे, लेकिन साथ ही आयोजन स्थल पर आमंत्रित सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी का पालन अवश्य कराया जाए। इसके साथ ही प्रदेश में सोमवार से रविवार तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक दुकानें खुली रह सकती हैं। इसके बाद प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेगा। वैक्सीनेशन को लेकर UP नंबर 1 आया है। जी हाँ, कोविड से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। UP जल्दी 9 करोड़ से अधिक कोविड डोज देने वाले देश के प्रथम राज्य बन गया है। कल 4,36,063 लोगों ने टीकाकरण प्राप्त किया। इस तरह प्रदेश में कुल कोविड वैक्सीनेशन 9,06,24,205 हो गया। यह किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। दरअसल गुरुवार तक प्रदेश में लगभग 50% पात्र जनसंख्या को कम से कम एक डोज दे दी गई है। बहरहाल कोरोना के तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस पे छूट जरूर दी गई है, लेकिन लोगों को अभी भी लापरवाही करने से बचना होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।